जय जगन्नाथ। आज का टॉपिक है क्या हो सकता है उनका अगला कदम। तो इसके लिए लेने वाले हैं हम टैरो में से 7 कार्ड्स, मूनोलॉजी में से 5 मैसेजेस और ओरेकल में से भी 5 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं हम कार्ड शफल करके। तो पहले हम देखेंगे टैरो के कार्ड। तो पहला कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स का, एयर्स है, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। हो सकता है ये पर्सन रात के वक्त आपसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश करे, यानी कि मोस्ट ऑफ द ये कार्ड देख के तो पता चलता है कि इनको नींद आती नहीं है। और जैसा होता है ना कि हमारा दिल जो है वो सब कुछ जानता होता है, भले ही हम किसी से कुछ बातें शेयर करें या ना करें, हमारे दिल को पता होता है कि हम जिंदगी में क्या सही कर रहे हैं या हमसे कहाँ पे गलती हो रही है। तो ऐसे ही अगर कुछ बातें आप दोनों के बीच में हो रही है, आपने कमिटमेंट का इशू कुछ पूछा था इस पर्सन से और ये कमिटमेंट देने से मना कर रहे हैं, या फिर सीरियसनेस नहीं दिखा रहे हैं इस रिश्ते में, तो हो सकता है रात के वक्त ये शायद आपसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश करे, क्योंकि इनका दिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनको उलझन में डाल रहा है, जिसकी वजह से चैन और सुकून इनका गायब है। फिर है 2 ऑफ सॉर्ड्स, एयर्स हैं, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसने दिल के ऊपर क्रॉस बना के रखा है, तो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा रोक रहे हैं ये बातचीत करने से। तो शायद काफ़ी वक्त से हो सकता है आपको भी इस पर्सन का इंतज़ार है कि ये कब अपने दिल की बात आपके सामने रखे, यानी कि ये ज़िंदगी में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं, या इन्होंने क्या सोचा है। तो अभी भी ये सोच नहीं रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के साथ हो सकता है ये पर्सन अपने दिल को काफ़ी ज़्यादा रोकने की कोशिश भी कर सकते हैं। पहले कार्ड में आया कि वो शायद रात को कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर सकते हैं, सेकंड कार्ड में आया है कि वो दिल को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। फिर है 4 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे तीसरा हमें एक एंगल मिल रहा है कि शायद ये आपको शादी के लिए भी पूछ सकते हैं। अगर इन्होंने ऑलरेडी आपको प्रपोज किया है तो शायद इनको एहसास हो सकता है कि आप ही हैं उनके सोलमेट और आप ही के साथ इनकी सभी खुशियां जुड़ी है, और ये बात अगर उनको समझ में आ रही है तो हो सकता है ये आपको शादी के लिए पूछे। फिर है 8 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे है कि ये पर्सन थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड हो सकते हैं, यानी कि अब तक अगर इन्होंने आप दोनों के रिश्ते के लिए कोई प्रॉपर एक्शन लेने की तैयारी नहीं दिखाई थी, तो हो सकता है यहाँ पे ये आपको बोले कि हाँ लेट्स रेडी, कि मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ जिंदगी में आगे बढ़ने को लेके, या फिर जो भी मुश्किलें आएंगी उनको मिलके सॉर्ट आउट करेंगे, देखेंगे जो होगा, ये भी हो सकता है। फिर है द एम्प्रेस, अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, और ऐसा नहीं है कि वो जानती नहीं है कि दिमाग और दिल को कैसे कंट्रोल में करना है। तो वैसा ही अगर आप उनका काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रहे हैं, तो यहाँ पे बात आ रही है कि शायद फैसला उन्होंने आपके ऊपर छोड़ा है, कि मतलब उन्होंने अपने दिल के जो जज्बात है वो आपके सामने अगर रिवील करके रखे हैं, तो हो सकता है आपकी तरफ से कोई एक्शन की ये उम्मीद करती हैं, अगर किसी फीमेल पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपकी तरफ से कम्युनिकेशन होगा, तो शायद ये बता देंगे कि ये क्या चाहती है। फिर है 9 ऑफ कप्स,
वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस ये विश कार्ड होता है। तो जैसे यहाँ पे 9 कप्स तो हैं, बस एक ही कप की कमी है जो रिप्रेजेंट करती है 10 ऑफ कप की एनर्जी में। तो शायद हो सकता है ये पर्सन अपने दिल की ख्वाहिशें आपको बता दे, यानी कि जिंदगी में ये क्या चाहते हैं, क्या सच में कब शादी करनी है, या ये आपको कितना पसंद करते हैं, या इन्होंने क्या सोचा है, कैसे सपने देखे हैं, शायद वो सब बातें रिवील कर सकते हैं, या फिर आपके साथ डायरेक्टली 10 ऑफ कप की एनर्जी में पहुंचने की चाहत है ऐसा भी रिवील कर सकते हैं। और फाइनल कार्ड है द हर्मिट, ये वर्गो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि ये पर्सन और भी ज़्यादा साइलेंट मोड कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी कि अभी अगर आप दोनों के बीच में नो कम्युनिकेशन हो रहा है, नो कॉन्टैक्ट जोन चल रहा है, तो थोड़ा और वक्त शायद आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन अपने कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। जब तक उन्हें उन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, तब तक शायद ये अपनी खामोशी तोड़ने वाले नहीं है। तो यहाँ पे 7 कार्ड हमें मिले हैं और 7 कार्ड अलग अलग चॉइसेस बता रहे हैं। कौन सा कार्ड किसके साथ कहाँ पे रेजोनेट होगा ये तो यूनिवर्स ही जाने, लेकिन आपके सिचुएशन के साथ कौन सा कार्ड रेजोनेट होता है ये आप चेकआउट करके देख सकते हैं। फिर है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो आपको कोई कमिटमेंट देनी हो, या फिर आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, या फिर कोई फैसला लेना है, तो इस पर्सन को एहसास है कि एडजस्टमेंट करनी ज़रूरी है। फिर चाहे वो एडजस्टमेंट घर वालों के साथ हो, आपके घर वालों के साथ हो, या आप दोनों के बीच की कोई एडजस्टमेंट हो, तो उन एडजस्टमेंट के लिए जब ये रेडी हो जाएंगे तो शायद ये आपसे बातचीत करेंगे। फिर है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, तो कॉन्फिडेंस की तो ज़रूरत पड़ती है हर किसी को, यानी कि रिश्ते में आगे बढ़ना हो, अपनी बात दूसरे के सामने रखनी हो, तो भी भला बिना कॉन्फिडेंस के वो कोई भी बात रखने के लिए हिचकिचाता ही रहता है पर्सन। तो वैसे ही अगर ये शादी के लिए आपको पूछना चाहते हैं, या फिर इन्होंने कुछ तय किया है, कुछ फैसला लिया है, और भले ही वो फैसले से आप राजी नहीं हो सकते ऐसा भी उनको लग रहा है, तो भी विथ कॉन्फिडेंस ये शायद आपसे कुछ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फिर है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, तो शायद ये पर्सन अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको अगर रात की नींद इनकी गायब है, तो शायद मेडिटेशन से कुछ इनको सवालों के जवाब मिल रहे हैं और ये आगे बढ़ने का रास्ता भी ढूंढ रहे हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे हमने देखा इस कार्ड के बिल्कुल नीचे जो कार्ड है कि अब शायद ये आपको कह सकते हैं कि आई एम रेडी, गो अहेड, हम आगे बढ़ सकते हैं, या फिर जो भी मुश्किलें होंगी उनको मिलके सामना करेंगे, ऐसा भी शायद ये कर सकते हैं, और ये आंसर उनको मिल सकते हैं मेडिटेशन करने की वजह से। फिर है लक इज ऑन योर साइड, तो यहाँ पे बात आती है लक को, तो अपने आप को अगर ये पर्सन लकी समझता है, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप का, तो हो सकता है आपको कोई ऑफर दे आगे बढ़ने को लेके, या फिर आपको सीरियसली ये बता दे कि शादी कब करने वाले हैं, या फिर ऑलरेडी अगर आप दोनों ने डिसाइड किया है तो उसको लेके इन्होंने क्या फैसला किया है ये भी आपको वो कंफर्मेशन में बता सकते हैं। और फाइनल कार्ड है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, तो अगर आप दोनों ने एक दूसरे को कमिटमेंट दे दिया है, ऑलरेडी आपने भी अपने पर्सन को बोल दिए हैं मैजिकल वर्ड्स, और उनको भी पता है कि आपकी ज़िंदगी में उनके अलावा किसी और की कीमत नहीं है, तो शायद ये हो सकता है आपको कोई इम्तिहान दे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि अगर हर्मिट मोड में ये पर्सन चले जाएंगे तो हो सकता है और काफ़ी वक्त तक आपको जानबूझ के ये कोई आंसर ना दे, मे बी आपके फ़ोन कॉल ना रिसीव करे, आपसे मिलना अवॉइड करे, और आपका कमिटमेंट का ये टेस्ट लेंगे। ऐसे शायद हो सकता है कि क्या सच में तुम मुझ पे इतना भरोसा करते हो या करती हो कि मैंने तुम्हारे साथ कांटेक्ट नहीं रखा है, फिर भी मैंने जो तुमसे वादा किया था, क्या तुम्हें मुझ पे यकीन है, या फिर मेरी कही हुई बातों पे यकीन है। ये शायद कुछ लोगों के साथ ऐसा भी ये पर्सन कर सकते हैं, इट डिपेंड्स। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या बताते हैं। एंगेजमेंट, मैरिज, लिविंग टुगेदर, तो ऑलरेडी हमें शादी का कार्ड तो मिला ही है 4 ऑफ एंड का, तो अगर आप दोनों ने कुछ डिसाइड किया था, ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है, तो हो सकता है ये मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, और अगर कुछ लोगों की शादी हो चुकी है और सेपरेशन चल रहा है, तो ये पर्सन आपको दोबारा अपनी ज़िंदगी में वापस बुला सकते हैं। फिर है स्टैंडिंग अप फॉर योर राइट्स, तो उन्हें पता है कि वो क्या चाहते हैं, या फिर उनकी ख्वाहिशें क्या हैं, तो अब खुल के शायद ये आपके सामने अपनी ख्वाहिशें रख सकते हैं कि नहीं शादी करनी है लेकिन अभी नहीं करनी है, रुकना है, या फिर अगर आप दोनों की ऑलरेडी शादी हो चुकी है और कुछ लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, तो ये आपको बता सकते हैं कि ये आपको ज़िंदगी में क्यों वापस बुलाना चाहते हैं, या फिर आप
क्या इनकी फैमिली का अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, आप शादीशुदा है इनके साथ, तो ये आपको अपनी तरफ से सब बातें क्लियर करने के बारे में शायद सोच रहे हैं कि अब शायद ये आपका साथ देने के लिए तैयार है। फिर है बोर्ड, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन शायद काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहे हैं और इसी बोर्डम की वजह से मे बी ये थोड़ा सा आपका, जैसे यहाँ पे भी हमें कार्ड मिला है, कोई टेस्ट ले सकते हैं या फिर आपको बता सकते हैं कि काफ़ी वक्त से इस रिश्ते में कुछ एक्साइटेड हो नहीं रहा है, तो नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी हमें कार्ड मिला है एंगेजमेंट मैरिज, तो ऐसी कुछ बातें शायद वो छेड़ सकते हैं कि अब काफ़ी वक्त हो गया है, चलो लेट्स गेट एंगेज, ऐसा भी शायद हो सकता है। फिर है म्यूचुअल अट्रैक्शन, तो आपको अगर पता है कि आपके दिल में इस पर्सन को लेके काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है, लेकिन इस पर्सन ने अगर आपको बोला नहीं है कि ये आपके लिए कितना ज़्यादा सोचते हैं या कितना ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, तो ये शायद अपनी बातें आपके सामने रिवील कर सकते हैं। जैसे ये बिल्कुल एम्प्रेस के ऊपर कार्ड आया है, तो हो सकता है आपके सामने अपने जज्बातों को खुल के रिवील करने के बारे में ये कुछ सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है न्यू, तो शायद ज़िंदगी की एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। और जैसे यहाँ पे वर्गो का कार्ड भी है, कुछ सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। और जैसे यहाँ पे भी कोई अगर कोई नई खोज निकालता है तो उसको एक एक्साइटमेंट तो होती है कि ये मेरी खोज है, तो वैसे ही अगर इस पर्सन ने अपने कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद निकाला है तो शायद वो सब बातें ये आपके सामने रखने में इंटरेस्टेड है कि अब नई शुरुआत करनी है तो मैंने ये सोचा है, मुझे ये चाहिए, मैं ये चाहता हूँ या ये चाहती हूँ, तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो शायद ये आपसे कर सकते हैं। तो अलग अलग सिचुएशन के एंगल से हमने आज का रीडिंग किया है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।